क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को हम लोग हिटमैन के नाम से जानते हैं, लेकिन यही हिटमैन अब सिक्सर किंग भी बन गया है। आखिर रोहित शर्मा कैसे बने हिटमैन से सिक्सर किंग, देखिए इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित के नाम एक बड़ी उपलब्धि। हिटमैन रोहित शर्मा बने सिक्सर किंग। रोहित शर्मा ने तोड़ा शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड। रोहित ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक लगाए 477 छक्के। रोहित के पास क्रिस गेल से आगे निकलने का मौका। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया। इसी के साथ वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में छक्के लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे T20 में महज 16 गेंदों में 33 रनों की तूफानी पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के भी लगाए। इसके साथ ही रोहित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सभी फॉर्मेटों में छक्के जमाने के मामले में दूसरे सबसे बड़े बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित के नाम अब इंटरनेशनल क्रिकेट में 427 पारियों में कुल 477 छक्के हो गए हैं। उन्होंने शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने कुल 476 छक्के जमाए थे। इस मामले में सबसे आगे अभी भी वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज क्रिस गेल है, जिन्होंने 551 पारियों में रिकॉर्ड 553 छक्के जमाए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के तूफानी ओपनर क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने अब तक 553 छक्के ठोके हैं। रोहित के पास अब गेल को पीछे छोड़ने का मौका है। गेल अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, जबकि रोहित लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे में रोहित शर्मा जल्द ही गेल से आगे निकल सकते हैं। स्पोर्ट्स स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बात